ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएस स्टडी वीजा को लेके, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको 100% वीजा दिला सकते हैं। तो कुछ क्लैरिटी, कुछ ट्रांसपेरेंसी आपके पास होनी चाहिए जब भी आप कोई वीजा अप्लाई करते हो। तो यूएस में ये चीज नोट करो कि आपका जो वीजा है वो फाइल पर नहीं टिका है, जो पेपर फाइल लेके जा रहे हो उसके ऊपर वीजा नहीं मिलेगा, वो फाइल को देखेंगे भी नहीं। DS-160 जो फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है उसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन जाती है, तो वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करेगी। अगर यूएस स्टडी वीजा निकालना है तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें हैं। सबसे कम इंपॉर्टेंट या फिर भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कम इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है उसे इग्नोर कर सकते हो, बट जो तीन चीजें हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। आपका कोर्स सिलेक्शन, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी यूनिवर्सिटी। अगर आपने अच्छा कॉलेज, अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं लिया, दैट कुड बी अ रीजन ऑफ वीजा ऑफिसर बीइंग नॉट सेटिस्फाइड, वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा और आपको रिजेक्ट कर देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका इंटरव्यू, मतलब आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। और ज्यादातर बच्चों का फेलियर क्या है कि वो सिर्फ कंसल्टेंट के ऊपर इंटरव्यू ट्रेनिंग के लिए निर्भर रहते हैं। अगर आप कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो, एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो आप ये मान के चलो कि आपके वीजा आने के चांस 50% है। 50% मैं उन बच्चों को छोड़ रहा हूं जो ऑलरेडी जागरूक होते हैं। तो बेटर क्या है और इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंटरव्यू को लेके बहुत सारे वीडियोस एक्स वीजा ऑफिसर्स के यूट्यूब पे पढ़ें, उनको समझें, और उससे आपको ये आइडिया होगा कि इंटरव्यू के अंदर वीजा ऑफिसर आपसे चाहता क्या है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वो पूछता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी का कुछ पढ़ा होता है उन्होंने इंटरनेट पे, अबाउट अस में, उसकी वेबसाइट पे, और वही लाइनें चार बोलने लगते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू में इंटरनेट से रटी रटाई लाइंस बोलोगे तो आप सीधे सीधे अपना वीजा रिजेक्ट कराओगे, बोलते शुरू हो गए वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। कारण क्या है कि यूएस एम्बेसी का ये मानना है कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है तो वो अपने आप में पूरा अवेयर है, जागरूक है, और उसकी एक स्टोरी है हर चीज को लेके। आप किसी यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हो ये आप उसका अबाउट अस पढ़ के डिसाइड नहीं करते हो, आप डिसाइड करते हो किसी रेफरेंस के बेस पे, आप डिसाइड करते हो उसके रैंकिंग के बेस पे, आप डिसाइड करते हो उसके बजट के बेस पे, आप डिसाइड करते हो उसमें वो कोर्स अवेलेबल है और उस कोर्स की क्या स्पेशलिटी है, आप सेलेक्ट करते हो किसी रेफरेंस के बेस पे। तो ऐसी बात होनी चाहिए जो रियल हो, ना कि रटी रटाई बातें। यही चीज आपके कोर्स को लेके भी अप्लाई होती है, ऐसी ही बातें आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेके भी अप्लाई होती हैं। तो जो अवेयर ज्यादा होगा वो ही बच्चा सक्सेसफुल होगा। सेकेंडली, डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश ना करें, मतलब टू द पॉइंट आंसर ना दें, आंसर को थोड़ा लंबा रखें, उसकी एक स्टोरी होनी चाहिए, उस स्टोरी को बनाएं, अपने दिमाग को उसके लिए ट्रेंड करें। उसके लिए जरूरी क्या है ट्रेंड करने के लिए? आपकी रिसर्च। आपको ना सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, चार और यूनिवर्सिटीज के बारे में पता होना चाहिए, यूएस के बारे में अच्छा से पता होना चाहिए, जिस सिटी या जिस शहर में जा रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको अपने करियर, अपने फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए, अपने फाइनेंशियल्स को लेके, अपने पेरेंट्स की सेविंग, पेरेंट्स के कामकाज, उनकी इनकम्स, ये सब भी अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। इन सब कंटेंट के साथ जब आप भरे होगे और आपको कोई अच्छा कंसल्टेंट गाइड करेगा कि ये कंटेंट कैसे बाहर निकालना है वीजा ऑफिसर के सामने इंटरव्यू के अंदर, तो आप अपना वीजा हासिल कर पाएंगे। यूएस का वीजा सिर्फ और सिर्फ आपकी बातचीत पे टिका है, आपकी कम्युनिकेशन पे टिका है, आपकी इंटरव्यू पे टिका है, और समय आपको 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं मिलता। तो इसमें बिल्कुल भी बुलशिट नहीं मार सकते हो, जो भी कंटेंट बोलना है वो टू द पॉइंट और अच्छा कंटेंट होना चाहिए। सो यूएस स्टडी वीजा जो भी दोस्त अप्लाई करना चाहते हैं वो ब्रॉडवे टीम से मिल सकते हैं, बहुत ही जेन्युइन कॉस्टिंग और प्राइसिंग के ऊपर आप ये वीजा हासिल कर सकते हैं। एम्बेसीज के खर्चों की बात करें तो तीन तरह के खर्चे होते हैं। I-20 का खर्चा है, एम्बेसी फी $185 का खर्चा है, सर्विस फी $350 का खर्चा है। सो तकरीबन ये 55 से 60 हज़ार रुपये का आपका एक फिक्स एक्सपेंस है, और इसके अलावा बाकी डिपेंड करता है आप एक कौन से एजेंट और कैसी सर्विसेज उस एजेंट से लेते हो, तो उसके चार्जेस अलग से जुड़ेंगे। बट ये तीन तरह के सरकारी खर्चों के साथ आपको कम से कम जो है अपनी फाइल अगर खुद भी घर बैठे लगाते हो तो ये तीन खर्चे आपके कम से कम आएंगे।
आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट शेयर करूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।